हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फिश ऑयल के बारे में, क्या सच में हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या क्या इसका बेनिफिट है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसको आपको एक चीज ध्यान रखना है, उसमें EPA और DHA, ये जितना ज्यादा मात्रा में होगा उतना ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसका जो बेनिफिट है, सबसे जो मेन तीन चार चीज के लिए, पांच चीज के लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है और मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, इसको कोई भी ले सकते हैं। 18 साल से लेकर कोई भी बंदा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी ले सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसका बेनिफिट के बारे में। ये सबसे ज्यादा इसको बेनिफिट मिलेगा आपको हार्ट के लिए। आपको पता ही है आज की डेली लाइफ स्टाइल में इतना भीड़ भट्टे, पोल्यूशन बहुत है, फिर प्लस आपका डेली लाइफ स्टाइल में जो आपका जो डाइट है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आज की डेट में हार्ट को सेफ रखना बहुत जरूरी है। तो उस दौरान आपको हार्ट के लिए आप इसको जरूर रखें, आपके हार्ट को बिल्कुल सेफ रखेगा। साथ के साथ आप मैं बात करूंगा जॉइंट पेन। आपको पता है मैं जिम वाले बंदे के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ जो 35 साल से लेकर 40 साल के जो एजेड हो जाते हैं, जिनको 40 से मतलब 35 से 40 साल के जो एजेड हो जाते हैं, जिनके घुटने में जॉइंट में जो पेन होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा बेस्ट है के लिए, आपके जॉइंट पेन के लिए बहुत इसको रिलीज करता है, बहुत अच्छा है जॉइंट पेन के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ जो जिम वाले बंदे क्यों लेते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट है। देखो, जिम वाले बंदे जब 2-3-4 महीने वर्कआउट करने के बाद उनका जॉइंट पेन वगैरह शुरू हो जाता है हल्का फुल्का, तो क्या करते हैं वो फिश ऑयल जरूर उस टाइम ऐड करते हैं ताकि जॉइंट वगैरह सेफ रहे, अच्छा रहे, ताकि उसको जाके वेट लिफ्टिंग करना होता है। इसलिए हमारा जब लिफ्टिंग करते हैं, हमारा जो इसमें जिसमें ऑयल होते हैं, जिसे बोलते हैं ऑयल, वो हमारा वो खत्म हो जाता है। तो हम क्या है फिश ऑयल अगर ऐड करने से, तो वो हमारे जो ग्रीस जाता है, मान लो ग्रीस, तो वो हमारी बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो आप इसको जरूर ऐड कीजिए। आप अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो डेली लाइफ स्टाइल में, तो जरूर रखे इसका फिश ऑयल ऐड करो, कोई इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करूंगा, जैसे आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर लोगों कितना स्किन क्वालिटी कितना साफ रहता है, के लिए ये फिश ऑयल स्किन और हेयर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। के लिए आपको पता है मार्केट में ये स्किन और हेयर के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो इसको डेली रूटीन में रखें, सुबह एक शाम को एक। आपको इसमें एक चीज नोटिस ज्यादा करके रखना है, EPA और DHA जितना क्वांटिटी में जितना ज्यादा होगा उतने आपके लिए बेस्ट होगा। हाँ, इसका एक ध्यान रखना है आपको, अगर दूध पी रहे हो तो दूध पीने के 2 घंटे बाद ही इसको आपके बॉडी में ऐड करें। दूध अगर फिर अगर इसको पी लिया आपने 2 घंटे बाद ही इसको फिर दूध पिए के लिए, कई लोग बोलते हैं इसके क्या होते हैं वाइट निशान पड़ते हैं। देखो, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वही चीज हम आपको शेयर करें। मेरे को तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखो, मैं बंगाली हूँ, मेरे को फिश खाने के बाद भी मैं दूध पिया हूँ, मेरे को देख सकते हो मेरा स्किन क्वालिटी ऐसा कुछ नहीं। वो चलो मेरे को शुरू से हैबिट है, ऊपर वाला दुआ से मैं ठीक हूँ, वैसे मेरा स्किन क्वालिटी ओके है। तो मैं बोलूंगा आप ऐसा ना करें, आप 2 घंटे बाद ही इसको ऐड करें, दूध पीने के 2 घंटे बाद ही इसको ऐड करें। तो ये वीडियो अगर अच्छे लगे लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिए। फिटनेस के रिलेटेड वीडियो मैं लाते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।